हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइसिस, किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है उस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, या कंप्लीट इन ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब उसी इलेक्ट्रोलाइसिस को फैराडे ने कुछ लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन किया, उनको अपन क्या कहते हैं? फैराडे लॉज। यहां पर टू लॉज है। फर्स्ट है अपने पास में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, या फैराडे फर्स्ट लॉ कैसे भी आप लिख सकते हो। यह तो क्लियर समझ में आया होगा। वह अपन समझेंगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, वो अपन ने डिस्कस कर ली। उसको और कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए किसने? फैराडे ने क्या किया? लॉज दिए। तो अपने पास में टू लॉज होंगे, फर्स्ट लॉ फैराडे एंड सेकंड लॉ फैराडे। अब आपको पता है अपने पास में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है? इस इलेक्ट्रोड सरफेस पे। क्या पे हो रही है? इस इलेक्ट्रोड सरफेस पे। बात क्लियर हो रही है सबको? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन कंप्लीट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ फैराडे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज्ड। इसकी बात कर रहा है डिपॉजिट और रिलीज्ड, क्योंकि अगर अपने पास में सॉलिड सब्सटेंस होगा तो डिपॉजिट होगा और गैसेस होगा तो रिलीज होगा। जैसे अपन ने अभी जो सेल एक्सप्लेन किया था उसमें HCl लिया था, तो HCl में एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो रही थी, कैथोड पे H2 गैस रिलीज हो रही थी। बात क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोबारा समझिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज्ड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दैट इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और रिलीज्ड इज एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, राइट। क्यू इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यू क्या है अपने पास में? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एम क्या है? डिपॉजिट और रिलीज सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड। अब आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाएंगे, तो यहां पर एम डब्ल्यू क्यू, जहां पर डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू क्या होगा बेटा? यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में? आई टी। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर डब्ल्यू आई टी। हो जाएगा डब्ल्यू आई टी। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस किस इक्वल होता है बेटा? डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका ई अपॉन एफ। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है आपका? ई अपॉन एफ। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड फैराडे कॉन्स्टेंट, राइट। डब्ल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ E4 तो है इक्विवेलेंट वेट, क्लियर, और F है अपने पास में
फेराडे कॉन्स्टेंट। बात क्लियर है? तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में एम इज इक्वल टू ई अपॉन एफ आई टी, ई अपॉन एफ आई टी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी, ये भी फॉर्मूला अपना यूज आएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने है, इनको आपको क्लियर करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है बेटा। फर्स्ट लॉ फेराडे अभी 2020 में आपके क्वेश्चन आया था, फर्स्ट लॉ फेराडे आप ये भी लिख के आ सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और रिलीज ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आई टी, एम एम इज इक्वल टू ई अपॉन एफ आई टी। डब्ल्यू क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके होगा? ई अपॉन एफ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। एफ क्या है आपका? फेराडे कॉन्स्टेंट। बात करते हैं किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे की। ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसका स्टेटमेंट प्लस ये दोनों फॉर्मूले, यहां से न्यूमेरिकल आता ही आता है। क्लियर? आगे देखिए अपने पास में सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। किसकी बात करेंगे अपन? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। अब सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे में क्या है अपने पास में? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे में अपने पास में देखो, ये सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे में क्या किया अपन ने, बहुत सारे सेल है, मतलब यहाँ पे अपन ने बहुत सारे, मतलब थ्री सेल्स है, उनको अपन ने एक सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। यहां पर क्यों किया है? सेम दे रहे अपन, तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी सेम क्वांटिटी में प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस कंडीशन में जो आपका डिपॉजिट सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के। इसके होगा सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोवाइड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, देयर इक्विवेलेंट वेट। अब इस कंडीशन में अगर अपने पास फर्स्ट सेल है तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वन, और दूसरा है अपने पास में एम टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। बात क्लियर है? दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। M1 upon M2 is equal to E1 upon E2, that is the second law of Faraday, जहां पर Q का वैल्यू क्या है? सेम है, तीनों के लिए सेम अमाउंट की अपन इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। उस कंडीशन में डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, दैट इज क्लियर। देन M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, then M1 upon M2 is equal to E1 upon E2, that is the second law of Faraday। जो F था अपने पास में क्या था? Faraday constant। F क्या था बेटा? Faraday constant। इसका meaning क्या है? That is the charge of one mole of electron। किसकी equal होता है ये? Charge of one mole of electron। चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? कैसे फाइंड आउट करोगे? 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19, दैट इज द चार्ज। वन मोल 6.023 इंटू 20 10 दी पावर 23, ये कूलाम में होता है और ये पर मोल में होता है। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आंसर आएगा 96487 कूलाम पर मोल, 9687 कूलाम पर मोल, जिसको राउंड फिगर में अपन लिख सकते हैं 96500 कूलाम पर मोल। दैट इज द वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट, दैट इज क्लियर। फेराडे कांस्टेंट मतलब चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे किया अपन ने? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एवोगाड्रो नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96487 कूलाम पर मोल, और इसको राउंड फिगर में ले सकते हैं 96500 कूलाम पर मोल।
क्लियर, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, दीज आर द लॉज ऑफ फैराडे, राइट। आई होप आपको दोनों लॉ समझ में होंगे। इसमें आपका फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से न्यूमेरिकल आता है और यहीं से स्टेटमेंट आता है आपका, क्लियर। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।